स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग आदित्य, बबलू, स्टार्ट करते हैं जस्ट। गुड इवनिंग कुलदीप, धर्मेंद्र, विशाल, और क्या है कुमार, डिस्को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम लोग जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस इन माइनिंग और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है माइनिंग में, उसके विषय में पढ़ेंगे शॉर्ट में। माइनिंग में क्या क्या जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इन जनरल जो आता है वो ये सब है, जो जनरल मेजर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस लिखे हैं। बाकी भी कुछ कुछ है, लेकिन जो मेन मेन है, जो एग्जाम में आने का चांस भी है, वो ये सब ही रहेगा। फॉल्ट के विषय में हम लोग जानते हैं, पहले ये क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग एक एक करके सबका डिटेल और सबका माइनिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है उसको पढ़ेंगे। फॉल्ट हम लोग जानते हैं, स्ट्राटा में जो ब्रेकेज है, ब्रेकेज जैसे स्ट्राटा ये पहले से कंटिन्यू था, टूट कर यहाँ से यहाँ ऐसे आ गया तो फॉल्ट हो गया। स्ट्राटा यदि इस टाइप से ओवर टर्न हो गया, इसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। ये फॉल्ट हो गया, ओवर टर्न हो गया, तो ये फॉल्ट हो गया। ये सब चीज स्ट्रेस के कारण ही होता है। डाइक मैग्मा का एक्चुअली इंट्रूजन है जमीन के भीतर से। मैग्मा यदि इस टाइप से वर्टिकली निकलता है अक्रॉस द स्ट्राटा, उसको हम लोग डाइक बोलते हैं। एक एक करके पिक्चर से फिर आगे समझेंगे, जस्ट एक बार ब्रीफ यहाँ पर कर लेते हैं। कुछ मैसेज है क्या? सेकंड, वॉटिंग नियर वाटर बॉडी चैप्टर हो गया सर पूरा। हाँ, वाटर बॉडी चैप्टर पूरा हो, वॉटिंग नियर वाटर बॉडी कंप्लीट हो गया है। और सर लॉन्गवाल, लॉन्गवाल, लॉन्गवाल माइनिंग में एक्चुअली सिर्फ हम लॉन्गवाल साल्वेजिंग इस कोर्स के लिए पढ़ाए हैं। लॉन्गवाल माइनिंग न्यूमेरिकल के साथ बाकी डिटेल सब पहले से पढ़ाया हुआ है। वो हो सकता है पुराना वीडियो देखने के लिए शायद बोले होंगे गौरव सर, पहले से लॉन्गवाल माइनिंग कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। अभी तो हम सिर्फ लॉन्गवाल साल्वेजिंग इसमें पढ़ाए हैं। अगर उसको फिर से कराना है तो फिर बात करना होगा, उसको भी हम लोग करा लेंगे। लॉन्गवाल का कंप्लीट वीडियो है, बहुत सारा वीडियो है पहले से, स्टार्टिंग से एक दो वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो डाइक ये मैग्मा का वर्टिकल इंट्रूजन जो रहता है ऑलमोस्ट अक्रॉस द स्ट्राटा, उसको हम लोग डाइक बोलते हैं। और ये इंट्रूजन यदि पैरेलल टू द स्ट्राटा है, आगे पिक्चर से देखेंगे तो क्लियर होगा, तो उसको सील बोलते हैं। यदि स्ट्राटा के पैरेलल इंट्रूजन है तो उसको हम लोग सील बोलते हैं, स्ट्राटा के अक्रॉस है तो उसको डाइक बोलते हैं। वाश आउट होता है जैसे कोयला या कोई भी चीज का लेयर, कोयला कोयला है, आगे जो है अचानक इस टाइप का शेप आ गया, बीच में कोयला पतला हो गया, फिर इस टाइप से जैसे कि कोयला धोआ गया हो, यहाँ का कोयला जैसे ये खत्म हो गया, तो इस टाइप के शेप को हम लोग वाश आउट बोलते हैं। और इसी का उल्टा शेप जब होगा, सेम चीज यदि रूफ तरफ से हो जाए, ऐसे जाते जाते कुछ जो है इस टाइप का शेप हो जाए, बीच का कोयला खत्म हो जाए, ऊपर में ये पतला हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोल। रोल और वाश आउट बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अब आगे एक एक को हम लोग पिक्चर से देखते हैं क्या क्या है। जैसे ये फॉल्ट है, फॉल्ट का मतलब क्या, ब्रेकेज इन स्ट्राटा। स्ट्राटा जब टूट जाता है अर्थ के टेक्टोनिक मोमेंट के कारण, उतना डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, जस्ट हम लोगों को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो ये टेंशन फोर्स लगने के कारण, यदि फोर्स ऐसा लग रहा हो कि इधर और इधर दोनों तरफ से खींच रहा है स्ट्राटा को,
उस टाइप से उस कंडीशन में जो स्ट्राटा का जो ब्रेकेज होता है, तो ये नॉर्मल फॉल्ट बोलता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, जो टूटा हो तो फॉल्ट हो गया। इस टाइप का टेंशन के कारण एक लेयर ऊपर दूसरा लेयर नीचे जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये नॉर्मल फॉल्ट। इसी का उल्टा, यदि दोनों तरफ से कंप्रेशन हो, इधर से भी फोर्स लगे इधर से भी फोर्स लगे, तो ये ब्लॉक जो है या ये स्ट्राटा जो है इस शेप में टूटेगा। और ये टूटने, यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे से थोड़ा दूर खिंचा रहा है, इसमें क्या है एक दूसरे पे ओवरलैप टाइप का हो जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। ये रिवर्स फॉल्ट हुआ, ये नॉर्मल फॉल्ट हुआ। केबल ऊपर क्या पूछ रहा है, ये केबल ऊपर ऊपर से, हाँ ऊपर ऊपर ही बता देते हैं, ये सिलेबस में है क्या? सिलेबस में शायद दिया है जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन माइनिंग। तो इसको जस्ट हम लोग ब्रीफ में लेकर लगभग कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बचेगा तो देखेंगे। फॉल्ट क्या है वो आप लोगों को पता है, ये स्ट्राटा का ब्रेकेज हो गया, एक नॉर्मल फॉल्ट होता है, दूसरा रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट मतलब कि ये स्ट्राटा टूटने के बाद इस तरह से अलग हो, रिवर्स फॉल्ट मतलब कि टूटने के बाद स्ट्राटा इस टाइप से ओवरलैप टाइप का हो जाए, तो ये वाला जो है रिवर्स फॉल्ट है, ये जो है नॉर्मल फॉल्ट है। नॉर्मल फॉल्ट किस टेंशन में होगा, जब स्ट्राटा टेंशन में रहेगा। रिवर्स फॉल्ट कब होगा, जब स्ट्राटा कंप्रेशन में होगा। ये इधर से आगे फॉल्ट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये पिक्चर में कुछ पिक्चर से समझते हैं और कुछ छोटा सा पिक्चर बना लेते हैं। जो मेन टर्मिनोलॉजी है, जैसे ये स्ट्राटा है, ये ऐसे है, ये टूट कर मान लिया जाए कि ऐसे आ गया, तो इसमें ऊपर से नीचे जितना ये वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं थ्रो। इसको क्या बोलेंगे, थ्रो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे हम लोग थ्रो। और जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजेंटली जितना स्ट्राटा मूव किया, उसको हम लोग बोलते हैं हीव, HEV। और ये जिस वर्टिकल से ये फॉल्ट प्लेन, वर्टिकल से ये फॉल्ट प्लेन जो एंगल बनाता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं हेड। ये शायद आप लोग पढ़े होइएगा, इसको हम लोग एक बार जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। ट्रांसवर्स फॉल्ट देखते हैं आगे आता है तो, एक सेकेंड, पहले ये दो चीज तीन चीज हम लोग समझ, सारे पिक्चर है नहीं है। ये वाला हीव हो गया, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थ्रो हो गया, और ये जो एंगल जो रहेगा यहाँ पर जो वर्टिकल से हो गया हेड, उसको बोलते हैं हम लोग हेड। ये तीन चीज हो गया, ए हीव, हेड और थ्रो, तीन चीज को समझना जरूरी है। थ्रो मेन, थ्रो वर्ड बहुत यूज होता है, थ्रो मीन्स कि फॉल्ट का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो थ्रो होगा। तो यहाँ पर तीन चीज पढ़े हम लोग, हीव, हेड। हेड तो एंगल हो गया, हेड हो गया एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड फॉल्ट प्लेन, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हेड होगा। हीव हो गया हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, हीव क्या हो गया हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे आते हैं, बाकी दो चार टाइप का फॉल्ट पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये तो पहले डिस्कस कर लिए, इस टाइप से स्ट्राटा यदि ब्रेक करेगा तो ये हमारा ये नॉर्मल फॉल्ट है। दूसरा, ये कंप्रेशन के कारण एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा, तो ये हम लोग रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्राइक फॉल्ट दिया है, मतलब इसमें क्या था कि ऊपर नीचे, ये दोनों में क्या है, इधर नीचे जा रहा है या ये ऊपर जा रहा है, इसमें क्या है ऊपर नीचे, ऊपर नहीं जाकर ये साइड में जा रहा है, ऐसे और ऐसे जा रहा है,
साइड में जब जा रहा है तो इसी को हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक फॉल्ट। यदि साइड में इधर जा रहा है या इधर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर यूज के। अच्छा ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्राटा जो है ब्रेकेज हुआ। ब्रेकेज होने के बाद एक ब्लॉक ऊपर गया, दूसरा ब्लॉक नीचे आया, ऊपर नीचे गया और एक दूसरे से डिस्टेंस थोड़ा सा बनाया, मतलब कंप्रेशन दोनों तरफ ये फोर्स जो है अपोजिट, एक उधर खींच रहा है किधर खींच रहा है, तो इस केस में ये नॉर्मल फॉल्ट हुआ। यदि एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए टूटा है तो ये उस कंडीशन में ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिवर्स फॉल्ट। उसके बाद उसके अपोजिट किया, ये क्या बोल रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं टूटकर साइड बाय साइड स्ट्राइक के अलोंग, जो ब्लॉक का स्ट्राइक है बुफेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्या। यदि ये अलोंग द स्ट्राइक ब्लॉक इस टाइप से मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या स्ट्राइक फॉल्ट। ये फॉल्ट का पिक्चर है जहां पर देख रहा है, जैसे ये कोयला का सीम था, ये यहाँ नीचे हो गया, यहाँ पर है ये कोयला का सीम जो है ऊपर हो गया है। ये नॉर्मल फॉल्ट का एक एग्जाम्पल है, कोयला का सीम जो है ये यहाँ है, पहले एक जगह रहा होगा, उसके बाद जब फॉल्ट हुआ तो ये एक ऊपर चला गया दूसरा नीचे आ गया। अभी साउंड क्लियर है प्रशांत? क्या लिखा, बफेट हो रहा है, अभी साउंड क्लियर है? ये फॉल्ट प्लेन में भी एक हैंगिंग वाल होगा और दूसरा जो है फुट वाल होगा। ये इस साइड वाला ये फुट वाल हो गया, ये दूसरा साइड जो है ये हैंगिंग वाल, लटका हुआ जैसा जो लगता है वो हैंगिंग वाल है, और जिसके ऊपर लगे कि पड़ा हुआ है वो फुट वाल है। ये स्ट्राइक फॉल्ट है, देखिए यहाँ पर ये दिखाया है ऊपर नीचे नहीं होकर क्या है, ये इधर चला गया, ये स्ट्राइक के लॉग इधर आ गया, तो इसको स्ट्राइक फॉल्ट बोलते हैं, स्ट्राइक फॉल्ट। ये स्ट्रक्चर हॉर्स्ट और ग्रेवन, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है इस टाइप का शेप देकर फिगर देके कि ग्रेवन है कि हॉर्स्ट है। इसमें क्या है, मल्टीपल फॉल्ट है, एक यहाँ फॉल्ट हुआ एक यहाँ फॉल्ट हुआ। ये फॉल्ट के कारण ये स्ट्रक्चर ऐसा जो बना कि बीच वाला जो ब्लॉक है यदि ऊपर चला जाए तो इसको हम लोग हॉर्स्ट बोलते हैं, ऊपर चला जाए तो हॉर्स्ट बोलते हैं। बीच वाला ब्लॉक यदि नीचे गड्ढा में चल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवन, जिससे ग्रेवन जिससे गड्ढा, कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये गड्ढा में चला जाए तो इसको बोलेंगे ग्रेवन, ऊपर चला जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉर्स्ट, और ये बीच में यदि पूरा वैसा नहीं हुआ तो हाफ ग्रेवन। ये सारे बुक में नहीं है, यहाँ सिर्फ दिया है हॉर्स्ट और ग्रेवन, ये दो इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि ये मल्टीपल फॉल्ट हुआ, एक इधर टूटा एक इधर टूटा, बीच का ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉर्स्ट। ये कंप्लीट इस टाइप का फॉल्टिंग को बोलेंगे हॉर्स्ट। इस टाइप का जो फॉल्ट होगा जिसमें बीच वाला ब्लॉक जो है डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेवन। तो ये हॉर्स्ट और ग्रेवन दो याद रखिए, इसका पिक्चर उक्चर दे के पूछ सकता है कि हॉर्स्ट का पिक्चर है कि ग्रेवन का पिक्चर है। फॉल्ट में ये HORST हॉर्स्ट हुआ, नीचे वाला ग्रेवन होगा। सेप याद रहेगा, एक बार देख लिया है। ये यहाँ पर देखिए वही है जो ग्रेव नीचे ही आया है, यहाँ पर ये ग्रेवन है। ये अच्छा पॉइंटर का कलर चेंज करना पड़ेगा, तो उस पॉइंटर ही लिया था। यहाँ पर देखिए ये उसी का पिक्चर है, ये इस टाइप से फॉल्ट दोनों तरफ से फॉल्ट हुआ। फॉल्ट के बाद ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया मतलब गड्ढा में आ गया, तो इसको ग्रेवन में बोलेंगे हाइड। अच्छा ये हटा दे, ये गड्ढा में ऐसे आ जाए दोनों तरफ से ब्लैकेज हो के, ये वाला बीच वाला पोर्शन जो है यदि गड्ढा में आ जाए तो इसको हम लोग ग्रेवन बोलेंगे। ये उसके अलावा भी फॉल्ट का कुछ टाइप है, ये जो पिक्चर्स मिला था उसको हम लोग रखे हैं।
मेन नॉर्मल फॉल्ट हो गया, रिवर्स फॉल्ट हो गया, उसके बाद स्ट्राइक फॉल्ट, डीप डायरेक्शन में रहेगा तो डीप फॉल्ट, डीप स्लिप, स्ट्राइक डायरेक्शन में रहेगा तो स्ट्राइक स्लिप, और टाइप में टेंशन कंप्रेशन। बाकी एक दो को चीज को ऐसे दिखा दे, एक स्टेप फॉल्ट बोलता है, स्टेप फॉल्ट मतलब कि इस टाइप का फॉल्टिंग होगा उसमें, स्टेप जैसा स्ट्रक्चर हो जाए तो स्टेप फॉल्टिंग बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, यहां से टूटा ऐसे, फिर यहां से टूटा ऐसे, फिर यहां से टूटा ऐसे, फिर यहां से टूटा ऐसे, तो ये क्या है, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फॉल्ट। इस टाइप का स्ट्रक्चर यदि टूटे तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप फॉल्ट। उसके बाद एक और जो एक जक्स्टा पोजिशन बोलते हैं, सीम्स जो है कभी कभी फॉल्टिंग के कारण जक्स्टा पोजिशन, जक्स्टा पोजिशन का मतलब होता है, जक्स्टा पोजिशन में सीम का आ जाना फॉल्टिंग के कारण। ये जक्स्टा पोजिशन क्या है, जैसे मान लिया जाए कि पहले से ये सीम जो है ऐसे ऐसे था, सीम जो है जगह जगह पर ऐसे था, एक सीम यहाँ था, फिर एक सीम यहाँ था, उसके बाद मान लिया जाए कि यहाँ पर एक सीम था, अब उसके बाद जो है ये सीम में जैसे कि ब्रेकेज हो गया, ये एक नंबर सीम था, ये दो नंबर था, ये तीन नंबर था, तो कभी कभी ब्रेकेज ये डाउनवर्ड सीम होने के कारण होता क्या है कि ऊपर वाला सीम जो है यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि ये यहाँ जो है एक नंबर आ गया, यहाँ पर जो है दो नंबर आ गया, और फिर नीचे वाला, मतलब कि एक फॉल्टिंग हुआ, फॉल्ट फॉल्ट हुआ, और फॉल्ट के बाद सीम जो है ऊपर वाला सीम एक दूसरे के सामने ऐसे आ जाए, एक के सामने दो आ जाए, फिर तीन के सामने ये यहाँ दो के सामने एक आ गया, फिर नीचे तीन के सामने दो आ गया, इस टाइप से यदि टूटने के बाद एक दूसरे के टूटने के बाद क्या हो रहा, ऊपर वाला सीम इधर एक था, ये वाला डाउन एक नंबर सीम यहाँ से टूट के डाउन हुआ, और दो के सामने, सॉरी दो के सामने जो है एक आ गया, दो के सामने क्या हो गया एक नंबर सीम आ गया, वन नंबर, फिर तीन के सामने क्या हो गया दो नंबर सीम आ गया, एक नंबर आ गया यहाँ पर, दो नंबर आ गया, फिर आगे यदि चार नंबर सीम मान लिया जाए कि यहाँ रहा होगा, तो चार के सामने नीचे जो है तीन नंबर आ जाए, मतलब ओवरलैप हो, इस टाइप का अगर कोई सिचुएशन होता है तो इसको हम लोग जक्स्टा पोजिशन बोलते हैं। जक्स्टा पोजिशन मतलब कि सीम का कंटिन्यूटी बना रह रहा है, लेकिन वही सीम नहीं दूसरा सीम आ जा रहा है, तब इलेमेंट्स ऑफ फॉल्ट में तो तीन चीज था, उसको हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है एक बार और इसको देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फॉल्ट में तीन ही चीज है, जैसे जिसके जिस प्लेन के अलोंग फॉल्ट टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट प्लेन, इसको बोलते हैं हम लोग, जिसके अलोंग टूटेगा वो है फॉल्ट प्लेन। उसके बाद इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, जितना ऊपर से ये नीचे डिस्प्लेस हुआ उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को थ्रो, ये हॉरिजेंटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं हीव, और ये वर्टिकल से जो फॉल्ट प्लेन एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं हेड। बस इतना ही, तीन चीज याद रखिए, फॉल्ट एलिमेंट्स में मेन यही तीन चीज है, हीव, थ्रो, हेड। जो इम्पोर्टेंट है वही, आगे हम लोग अब आते हैं फॉल्ट में जो मोटा मोटी जो था वो पढ़े हैं, इसके अलावा भी जस्ट ज्योमेट्री टाइप का और भी टाइप्स हो सकता है, लेकिन हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। अब ये फॉल्ट सब के होने से होता क्या है, फॉल्ट
जब माइंस में आ रहा है तो इसका इफेक्ट पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट मेन क्या क्या पड़ेगा? एक तो क्या हो रहा है कि यहाँ सिम था, सिम जाते जाते सिम खत्म हो गया, यहाँ जो सिम था सिम खत्म हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर से हमको ये ड्राइवेज बनाना पड़ेगा। तो एक तो हुआ कि सिम का डिसकंटिन्यूटी हो गया, सिम का डिसकंटिन्यूटी हो गया, इसके कारण क्या होगा, सिम मिलना बंद हो गया, तो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों पर माइनिंग असर पड़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा। दूसरा क्या है कि फॉल्ट जहां पर मिलता है वहां पर क्रस्ट जोन रहता है आपका, चूंकि टूटा है तो क्रस्ट जोन मिलेगा। क्रस्ट जोन मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, गैस का प्रॉब्लम होगा। क्रस्ट जोन है तो वहां पर स्ट्राटा कंट्रोल का प्रॉब्लम होगा। दूसरा बोले कि अब सिम जो है टूट के ऊपर से नीचे आ गया या नीचे से ऊपर चला गया, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या होगा, रास्ता स्टोन में बनाना होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्टिंग करना होगा सिम के कंटिन्यूटी में खोजने के लिए। और क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहीं कहीं पर क्या है कि सिम जो है ये थ्रो जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, 50 मीटर 60 मीटर हो गया, ऊपर से सीधा नीचे आ गया। तो थ्रो ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सिम जो है डिप्थ में चल जाएगा। तो डिप्थ में चला जाएगा तो डीप माइनिंग का जो प्रॉब्लम है वो सब शुरू हो जाएगा। डीप माइनिंग का प्रॉब्लम क्या क्या है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होगा, वेंटिलेशन सुधारना होगा। डीप माइनिंग में स्ट्राटा कंट्रोल भी प्रॉब्लम होता है। हीट ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम है, ज्यादा गड्ढा में जाएगा तो हीट ह्यूमिडिटी जियोथर्मिक ग्रेडियंट के कारण ये सब प्रॉब्लम होगा, हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद ये जब इस टाइप से टूट गया तो हम लोगों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी दिक्कत हो जाता है, हॉलेज वगैरह जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें दिक्कत होगा। और कभी कभी क्या है कि जब ये इस टाइप का टूट जाता है तो फॉल्ट प्लेन ही जो है, अब इस माइन चलिए यहीं तक माइन खत्म कर देते हैं, अब इधर वाला जो है दूसरे माइन से निकालेंगे, दूसरे इंटरेस्ट से। तो कभी कभी ये माइन बाउंड्री का भी काम करता है। तो मेजर यही था, इसको एक जगह इन्यूमरेट करके लिखे हैं। जैसे पहला क्या लिखे, फॉल्ट क्रिएट्स डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी होगा उसके कारण प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कम होगा। फॉल्ट टूट जाता है तो ड्रिफ्ट बना के अप्रोच बनाना पड़ता है। थ्रो बहुत ज्यादा है तो उस केस में कभी कभी क्या है कि कोल फील्ड का बाउंड्री हो जाता है, ठीक है यहाँ तक ही कोल फील्ड, ये दूसरा थ्रो हो गया तो दूसरा कोल फील्ड, बहुत ज्यादा थ्रो हो गया तो स्टाटा कंट्रोल का प्रॉब्लम होगा क्योंकि क्रॉस जोन है। गैस का प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। फॉल्ट प्लेन के पास पानी का भी उसी होगा, और कभी कभी फॉल्ट प्लेन के कारण इनंडेशन भी हो जाता है। जैसे ये फॉल्ट है नीचे में, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ऊपर वाला ये अगर ये पानी भरा हुआ है तो ये क्या होगा, ये फॉल्ट क्या है, ये तो ब्रेकेज का प्लेन है, ये वाला पानी खसक के सीधा जो है ये फॉल्ट प्लेन के थ्रू नीचे वाला में आ जाएगा। इस टाइप का इनंडेशन हुआ भी है पास्ट में। वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होगा, डीप साइड में चलेगा चाहे ऑफ साइड में भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा अलग अलग। और ये सब करेंगे तो कॉस्ट ऑफ माइनिंग का कॉस्ट बढ़ेगा। कभी कभी सब नुकसाने नहीं है, कभी कभी फायदा भी हो सकता है। यदि इस टाइप का अप थ्रो फेस, यहाँ हम लोग माइनिंग कर रहे थे, इसके बाद थ्रो अप हो गया, अप थ्रो यदि मिल जाता है, ऊपर सीम आ गया और सीम बिल्कुल सरफेस के बाजू में है, तो अंडरग्राउंड में इतना कष्ट करने का जरूरत क्या, आप ओपन कास्ट माइनिंग करके फिर इस सीम को हम लोग ले सकते हैं। यदि वैसा सिचुएशन, ये फायदा हो सकता है अगर सीम ऊपर आ गया, तो नीचे गया तो डीप माइनिंग का प्रॉब्लम हो गया, ऊपर आएगा तो फिर हम लोग शैलो माइनिंग करके ओपन कास्ट से निकाल सकते हैं। और कभी कभी ये जक्स्टा पोजिशन हो जाता है, जिसको कि हम लोग डिस्कस किए, एक सीम दूसरे सीम के सामने आ जाएगा, तो एक सीम दूसरे सामने के दूसरे सीम के सामने आएगा तो क्या होगा, दूसरे सीम का प्रॉब्लम। इससे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो सीम था ये टूट गया और यहाँ पर दूसरा सीम आ गया टूटकर, अगर ये सीम फायरी है तो इसमें का फायर इसमें आ सकता है, इसमें कुछ गैस का प्रॉब्लम है तो इसमें उसमें का प्रॉब्लम इसमें इनकाउंटर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है सर, जहां पे भी जियो डिस्टरबेंसेस है वहां के लिए बेसिक प्रिकॉशंस बता दीजिए।
तो ये जियो डिस्टरबेंस, जहां पर इस टाइप का जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस मिलता है वहां पर ये सब प्रॉब्लम होगा। और प्रिकॉशंस क्या लेंगे, अब ये जो जो प्रॉब्लम है जैसे गैस का प्रॉब्लम है तो हम लोगों को क्या होगा, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना होगा, गैस का मॉनिटरिंग बढ़ा देना होगा, मतलब कि हम लोग जो है गैस टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, हमेशा अलर्ट रहेंगे अलर्ट मोड में, क्योंकि वहां पर जो है गैस का प्रॉब्लम मिलेगा, पानी का प्रॉब्लम होगा, एक्सेस सीपेज हो रहा है तो फिर वाटर वाला प्रॉब्लम लेंगे या पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो गैस वेंटिलेशन और अलर्ट रहने का जरूरत है, सपोर्ट बढ़ा देना होगा, जो प्रॉब्लम है इसको सुधारना ही सावधानी होगा ना, जो प्रॉब्लम हम लोग लिखे इसको जो सुधार करेंगे वही सावधानी होगा। तो ये इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट था, फॉल्ट का टाइप्स में इतना, बाकी जो जियोलॉजी के स्टूडेंट लोग और इससे ज्यादा फॉल्ट पढ़ते हैं, हम लोग जस्ट इतना ही रखते हैं। इसके अलावा एक और फॉल्ट होता है ऑब्लिकली इंक्लाइंड ऑब्लिक फॉल्ट या ट्रांसवर्स फॉल्ट, जो अभी कोई मैसेज भी कर रहा था। एक्चुअली ये तीन फॉल्ट देखते हैं कहाँ कहाँ, जैसे यहाँ पर तीन फॉल्ट देख रहे हैं, एक ये डीप में गया तो डीप स्लिप, ये तो रिवर्स हो गया ऊपर चल गया, तो एलोंग द स्ट्राइक गया तो स्ट्राइक स्लिप, और कभी कभी क्या होता है कि डीप ना डीप में गया है ना स्ट्राइक में गया है, ये दोनों के बीच का डायरेक्शन है, डीप स्ट्राइक के बीच का डायरेक्शन, तो उसी को ऑब्लिक फॉल्ट बोलते हैं या ट्रांसवर्स फॉल्ट भी उसी को बोलते हैं, मतलब दोनों के बीच में जब जाएगा। तो आगे फॉल्ट में इतना ही है, अभी जो आप लोग का एग्जाम नजदीक है इसलिए इससे ज्यादा पहले से पढ़ा हुआ है तो फिर कुछ पढ़ सकते हैं। दूसरा ये एक याद रखिए कि टेंशन में जो है नॉर्मल फॉल्ट होता है, कंप्रेशन में जो है रिवर्स फॉल्ट होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, व्हिच टाइप ऑफ फॉल्ट इज कॉज्ड ड्यू टू टेंशन, एक दे देगा नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा दे देगा रिवर्स फॉल्ट, तीसरा दे देगा इनमें से दोनों, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ये नॉर्मल फॉल्ट जो है टेंशन में होता है, जब स्टार्टर में टेंशन होगा तब। पैरेलल फॉल्ट भी बोलते हैं, किसी को बोलते होंगे, किसको, होगा कोई पैरेलल फॉल्ट भी होगा, जियोलॉजी में तो बहुत सारा फॉल्ट है, हम लोग जो माइनिंग वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको खाली हम लोग लेकर ही है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे फॉल्ट पढ़ाते हैं, फॉल्ट का एलिमेंट्स भी हो गया, हेड, बहुत सारा चीज को हम लोग नहीं लिए हैं। अच्छा, कुछ चीज छूटेगा तो उसका एक क्लास और लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे हम लोग। अब फॉल्ट पढ़ाते हैं, देखिए फॉल्ट क्या इस टाइप का, ये यदि ये स्ट्राटा टूट नहीं पाया, ज्यादा मजबूत है, तो उस केस में क्या होगा, स्ट्राटा जो है इस टाइप से झुक के रह जाएगा, इस टाइप से फोल्डिंग हो जाएगा। फोल्ड क्या है, बेंडिंग ऑफ स्ट्राटा, फोल्ड मतलब क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ स्ट्राटा, स्ट्राटा में जो बेंडिंग होता है मोड़ जो आके रह जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ स्ट्राटा इज नोन एज फॉल्ड। अब जिस जिस टाइप का बेंडिंग होगा उसके हिसाब से इसका भी टाइप अलग अलग है। इसमें ये जिस प्लेन के अलोंग बेंडिंग होता है उसको हम लोग एक्सियल प्लेन बोलते हैं, जैसे ये वाला एक लाइन है, इसके दोनों तरफ ऐसे बेंडिंग हो गया, और ये जो इस टाइप से जो झुका हुआ पार्ट है, एक मिनट इसको पॉइंटर लाते हैं, ये वाला जो दोनों तरफ से ऐसे ऐसे जो पार्ट हुआ इसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिम्ब, इस फोल्ड का ये लिम्ब हुआ, फिर इधर वाला फोल्ड का ये लिम्ब हुआ, दोनों तरफ जो झुका हुआ पार्ट है ये इसका लिम्ब हुआ, और ये वाला जो है एक्सियल लाइन हुआ, ये बीच वाले लाइन को हिंग लाइन भी बोलते हैं, ये दोनों तरफ से हिंग मतलब जिसके अलोंग जो है दोनों तरफ ये झुका हुआ है, और ये प्लेन हो गया एक्सियल प्लेन, ये हो गया लिम्ब,
आगे देखते हैं। और एक दो चीज इसमें एक्सियल सरफेस ही, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। सब्सिडेंस में भी आप लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर होइएगा। ये स्ट्राटा का कंप्रेशन जहां से टेंशन में कन्वर्ट होता है, वो पॉइंट सबके बिंदु को मिलाने से ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। मतलब कि इन्फ्लेक्शन का मतलब है पॉइंट ऑफ चेंज, जहां से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है टेंसाइल, टेंशन और कंप्रेशन एक दूसरे में जहां पर चेंज होने लगे, जैसे नीचे तरफ जाएगा तो टेंशन में रहेगा, ऊपर जो है ये कंप्रेशन में आएगा। और जिस पॉइंट से चेंज होगा वो पॉइंट सबको मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। चल नॉइज होने लगा, एक सेकंड। तो ये दोनों तरफ वाला लिंब हुआ, इधर लिंब हो गया, इधर लिंब हो गया, ये बीच वाला प्लेन एक्सियल प्लेन हो गया, ये ऊपर वाला जो रीज लाइन है इसको हम लोग हिंग हिंग बोलते हैं, हिंज। ये हिंज हो गया, ये पूरा प्लेन हो गया। आगे आते हैं फिर, ये यदि ये स्ट्राटा इस टाइप से झुका है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लाइन। इस टाइप से झुकेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लाइन। इसके अपोजिट यदि ये स्ट्राटा इस टाइप से फोल्डिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीन क्लाइन, एंटी क्लाइन और सीन क्लाइन। और इस टाइप का फॉल्ट कोई बोलेंगे एंटी क्लाइन फॉल्ट हो गया, ये हो गया सीन क्लाइन फॉल्ट हो गया। मतलब मिडिल पार्ट फॉल्ट होने के बाद ये इधर वाला तो लिंब हुआ, ये भी लिंब हुआ, बीच का जो प्लेन होगा उसको एक्सिस ऑफ द फॉल्ट बोलेंगे, एक्सिस हो गया। यहाँ भी ये एक्सिस हो गया, सब सॉरी ये लाइन थोड़ा सा इधर से जाना चाहिए था। एक सेकंड, ये एक्सिस बिल्कुल ऐसे रहेगा। यहां भी लिंब इधर वाला हो गया, ये लिंब हो गया, ये बीच वाला एक्सिस हो गया, एंटी क्लाइन और ये सिंक्लाइन। बाकी आगे क्वेश्चन कैसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन इस टाइप का कुछ ये शेप दे देगा, ये किस टाइप का फॉल्ट है, तो एंटी क्लाइन ये हो गया, सिंक्लाइन हो गया। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ आ सकता है, डिफिनेशन टाइप का आ सकता है, इसीलिए शॉर्ट में हम लोग जा रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जियोलॉजी से एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये सब तो नहीं पूछेगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड इस सब नहीं पूछेगा। ये पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ ये जैसे इधर वाला स्ट्राटा ऐसे ऐसे झुका है तो ये एंटी क्लाइन है, इधर वाला ऐसे ऐसे झुका है तो ये सिंक्लाइन है। यहाँ पर फिर वही है, इसमें एक सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, दूसरा एसिमेट्रिकल। मतलब कि ये एक्सिस के दोनों तरफ समरूप हो, एक जैसा हो लगभग, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। और यदि ये जो है थोड़ा सा जैसे ये इधर देख रहे हैं, ये ज्यादा इधर झुक गया, इधर कम झुका हुआ है, झुका इसका लिंब का झुकाव इधर कम है, इधर दूसरी तरफ ज्यादा है, अगर दोनों तरफ लिंब का झुकाव सिमिलर है, एक जैसा है, तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलेंगे। एक्सियल प्लेन के दोनों तरफ लिंब का जो इंक्लिनेशन है वो लगभग एक जैसा हो तो वो सिमेट्रिकल फिर फॉल्ट होगा। और यदि एक्सियल प्लेन के दोनों तरफ लिंब का जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसको हम लोग एसिमेट्रिकल बोलेंगे।
और इसी यदि एक्सियल प्लेन होरिएंटल से ज्यादा झुका हुआ है तो उसको हम लोग ओवर टर्न बोलते हैं। ज्यादा झुका हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर टर्न। ये हो गया ओवर टर्न, ये हो गया एसिमेट्रिकल, ये हो गया सिमेट्रिकल। सेम चीज को यहाँ पर देखें, ये सिमेट्रिकल हो गया, ये जैसे एक्सियल प्लेन के दोनों तरफ लगभग एक जैसा है तो सिमेट्रिकल। एक्सियल प्लेन में एक तरफ कुछ और है इंक्लिनेशन, दूसरी तरफ कुछ दूसरे टाइप का है, तो ये एसिमेट्रिकल हुआ। ज्यादा झुकाव हो गया है एक्सियल प्लेन का तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओवरटर्न। और बहुत ज्यादा झुकाव हो गया मतलब लगभग हॉरिजेंटल जैसा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। तो यहाँ पर तीन टाइप का फॉल्ट है। एक ये वाला देखे जिसमें दोनों तरफ एक जैसा झुकाव है उसको सिमेट्रिकल बोले। एक्सियल प्लेन के दोनों तरफ अलग अलग झुकाव है उसको एसिमेट्रिकल बोले। यहाँ पर देखे एक्सियल प्लेन जो है ये हॉरिजेंटल से थोड़ा ज्यादा एंगल पर झुका हुआ है मतलब थोड़ा, तो वो ओवर टर्न्ड हुआ। और ये बिल्कुल हॉरिजेंटल जैसा हो गया है तो ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल हो गया तो इसको हम लोग रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। मतलब एक्सियल प्लेन जो है बहुत ज्यादा झुक गया तो इसको रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। उसके अलावा एक मोनोक्लाइनल फोल्ड भी होता है। हाँ पिक्चर करके देगा तो बन जाएगा, तो बाकी और ज्यादा देगा नहीं ना। पहले तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट पूछ देता था, चाहे एंटीक्लाइन फॉल्ट क्या है या सिंक्लाइन फॉल्ट है, डेफिनेशन टाइप का इनमें से कौन है वो पूछ सकता है। कन्वेक्स पार्ट ऊपर है तो क्या होगा, ये एंटीक्लाइन होगा कि सिंक्लाइन होगा, कंसेप्ट रहेगा तो वहां पर जो लैंग्वेज में कुछ भी रहे आप कर लीजिएगा। लिटरेचर में कुछ करके पूछ सकता है, फिगर नहीं भी दे सकता है। उसके अलावा एक और फॉल्ट है मोनोक्लाइनल फॉल्ट बोलते हैं, या एक दो और फॉल्ट है उसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। एक होता है कि जस्ट स्ट्राटा में बेंडिंग तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, इस टाइप का है मतलब कि दो लिंब नहीं बन रहा है, एक ही लिंब बन रहा है। यहां से यहां तक जो है ये वाला पोर्शन में बेंडिंग है, यहाँ इस टाइप का बेंडिंग है जिसमें कि लिंब जो है एक ही बना, दो लिंब नहीं बना। बाकी में क्या देखते थे कि दो लिंब ऐसे बन गया, ये एक्सियल प्लेन है, इसके इधर एक लिंब है, इधर एक लिंब है, ये हल्का सा ऐसा टर्न होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो क्लाइन फॉल्ट या मोनोक्लाइनल फॉल्ट, जिसमें कि एक ही लिंब बनेगा, बीच से थोड़ा सा टर्निंग है तब। तो ये मोनो, बाकी सिंक्लाइन हम लोग ये अपवार्ड अपवार्ड डायरेक्शन में ऐसे यदि झुका हुआ है, मिडिल पोर्शन यदि अपवार्ड में है, क्वेश्चन पूछ सकता है द टाइप ऑफ फोल्ड इन विच अपर मिडिल पोर्शन इज अपवर्ड। अपवर्ड में है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीक्लाइन। डाउनवर्ड में है तो उसको क्या बोलेंगे, मिडिल पोर्शन डाउनवर्ड है तो सिंक्लाइन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओवरटर्न्ड और रिकम्बेंट फोल्ड, तो देख लिया वहां पर। बाकी एक आइसोक्लाइनल फॉल्ड एक होता है, मतलब इस टाइप का फॉल्ड हो, मतलब कि सारे फॉल्ड का जो एक्सिस जो है एक दूसरे से पैरेलल हो, सारा एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोक्लाइनल फॉल्ट। वैसा फॉल्ट जिसमें सारे फॉल्ट का एक्सियल प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो। उसके अलावा डाइक में आ गए, एक आध फॉल्ट और है उसको बता लेते हैं। उसके अलावा एक और फॉल्ट होता है, एक एंटी क्लाइनोरियम होता है, दूसरा सिंक्लाइनोरियम होता है। एंटी क्लाइनोरियम क्या है, ओवरऑल शेप जो है एंटी क्लाइन जैसा रहेगा
और ये ऐसे ऐसे फोल्डिंग, छोटा छोटा फोल्डिंग, ऐसे 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 फोल्डिंग है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लाइनोरियम, एंटी क्लाइनोरियम फोल्ड। इसी का जस्ट अपोजिट यदि ये ऐसे 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 फोल्डिंग है स्ट्राटा में, लेकिन ये ओवरऑल शेप जो है सिंक्लाइन का ले लिया है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंक्लाइनोरियम फॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इफेक्ट्स, फॉल्ट पे क्या क्या इफेक्ट है वो सिंक्लाइनोरियम एंटीक्लाइनोरियम हो गया। अब क्या है, जिस तरह से फॉल्ट के आने पर प्रॉब्लम था, उसी तरह से फॉल्ट भी आने पर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोगों को माइनिंग क्या है, माइनिंग बिल्कुल लेवल में ऐसे करते हैं तो सब ठीक ठाक चल रहा है। अब ऐसे जाते जाते क्या अचानक स्ट्राटा इस टाइप से आएगा, फॉल्ट होगा तो कभी ऐसे आएगा या कभी जाके ये ऐसे हो जाएगा स्ट्राटा। तो ये इस टाइप का जब डिफिकल्टी आएगा तो इससे क्या क्या है, जैसे एंडलेस हॉलेज बैठा हुए थे तो यहाँ दिक्कत होगा, डायरेक्ट रॉक हॉलेज है तो यहाँ डायरेक्ट ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, तो हॉलेज का दिक्कत होगा, पंपिंग का पाइपलाइन का लेआउट का दिक्कत होगा, पानी डीप साइड से उठाना होगा, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होगा, डीप साइड में जाएंगे हीट ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, वेंटिलेशन बढ़ाना होगा, आदमी का आने जाने में मैन राइडिंग का डिफिकल्टीज होगा। फॉल्डिंग के टाइम में क्या होता है, जब ये फॉल्ट होता है किसी फोर्स के कारण होता है तब फोर्स के कारण क्या है कि ये झुका हुआ है तो टूट नहीं, टूटा तो टूट जाता है तो स्ट्रेस खत्म हो गया, लेकिन टूटा नहीं तो इसमें स्ट्रेस है। तो माइनिंग के टाइम में क्या होगा कि ये जब डी स्ट्रेस, माइनिंग के टाइम में क्या है डिफिकल्टी होगा, ये स्ट्रेस्ड जोन है, स्ट्रेस जोन में डिफिकल्टी होगा, रूफ फॉल इस सब का होने का चांस रहेगा। तो रूफ कंट्रोल, स्ट्राटा कंट्रोल का डिफिकल्टी, ये सब ऐसे ही फॉल्ट हो जाने से स्ट्राटा कंट्रोल का डिफिकल्टी हुआ। तो प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही जैसा रहता है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हुआ है ये, लेकिन ये जो फॉल्ट है उसमें गैस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, फॉल्ट प्लेन के पास जो है CH4 मिथेन भी ज्यादा निकलता है, और दूसरा क्या है कि फॉल्ट के पास पानी का एक प्रॉब्लम होता है कि ये दूसरे सिम का पानी जो है प्लेन के अलोंग सीपेज होके आ जाएगा। मैक्सिमम हर एक कोल फील्ड में फॉल्ट भी मिलता है, फॉल्ट से ज्यादा फॉल्ट मिलता है, हर जगह फॉल्ट एक दो को मिलेगा, फॉल्ट के कारण सीम एप डाउन मिलेगा, डाइक मिलेगा, सील मिलेगा, सब मिलता है। फिर ये जो जब सीम ऐसे जाएगा तो जो हल्का गैस है वो ये वाला पार्ट में आपका जमा हो सकता है, यहाँ एक्युमुलेशन ऑफ गैस का चांस रहेगा। जब डीप में जहां पर इस टाइप का सीम हो गया तो वहां पर ये सब जगह में क्या है पानी का प्रॉब्लम होगा, पानी लग जाएगा, यहाँ पर पंप बैठा के रखना पड़ेगा डीप साइड के लिए। दूसरा डीप में क्या ब्लैक डैम का प्रॉब्लम होगा, भारी गैस नीचे वाला पोर्शन में रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन में हल्का गैस या CH4। डेप्थ कहीं पर जब ये सिंक्लाइन फोल्ड है तो इसमें डेप्थ बढ़ जाएगा, एंटीक्लाइन फोल्ड है तो डेप्थ घट जाएगा, डेप्थ घटेगा तो हो सकता है ओपन कास्ट के लिए बेनिफिशियल हो जाए, डेप्थ बढ़ेगा तो डेप्थ बढ़ने पर जो जो प्रॉब्लम है वो सब आ जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जियोथर्मिक ग्रेडियंट बढ़ेगा, वेंटिलेशन का इश्यू होगा, सपोर्ट का प्रॉब्लम होगा, जो माइनिंग का डेप्थ बढ़ने से जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम सब आएगा। उसके बाद ये सब प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ भी कॉस्ट ऑफ माइनिंग बढ़ जाएगा, मैकेनाइजेशन का डिफिकल्टी होगा, मैकेनाइजेशन माइल्ड ग्रेडियंट का सीम में या एक जैसा ग्रेडियंट है वो सबके लिए इजी है, अभी ऐसा ऐसा सीम है तो इस समय क्या है इस समय मैकेनाइजेशन में दिक्कत होगा, भारी मैकेनाइज्ड माइनिंग का प्लान नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग वॉल माइनिंग ये सब तो फेल ही हो जाएगा। तो ये सब डिफिकल्टी है हम लोग का फॉल्ट, और फॉल्ट के कारण, फॉल्ट क्या है वो देख लिए अभी तक का, एक बार समराइज कर लेते हैं। फॉल्ट फॉल्ट देख लिए हैं, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट टेंशन के कारण, रिवर्स फॉल्ट कंप्रेशन के कारण। हेड क्या हो गया, जो ब्रेकेज हुआ, ब्रेकेज का जो प्लेन फॉल्ट प्लेन,
फॉल्ट प्लेन जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा वो हेड हो गया, ये टूटेगा तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो थ्रो हो गया, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो गया, वो हीव हो गया। टाइप्स ऑफ फॉल्ट में तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग नॉर्मल रिवर्स स्ट्राइक स्लिप हॉर्स और ग्रेवन ये दो इम्पोर्टेंट है। यदि इस टाइप का फॉल्टिंग हो जिसमें बीच वाला ब्लॉक जो है अपर पार्ट में डिस्प्लेस हो जाए तो उसको हॉर्स्ट बोलेंगे, बीच वाला ब्लॉक यदि लोअर पार्ट में गड्ढा में चला जाए तो उसको ग्रेवन बोलेंगे। फॉल्ट तो अभी जस्ट देखे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं डाइक पे। डाइक क्या है? डाइक देखिए, ये पिक्चर उक्चर देख के इस टाइप से लिखने का भी आ सकता है, ये पिक्चर में ज्यादा क्लियर है तो इससे ही समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैग्मा नीचे से जमीन के नीचे से मैग्मा निकलता है। मैग्मा का जब इंट्रूजन ऐसे जो निकलता है मैग्मा, अच्छा पॉइंटर से भी दिखता है, ऐसे जो ये रेड कलर से जो ये निकला है मैग्मा, इसको हम लोग मैग्मा का इंट्रूजन बोलते हैं। इसी इसी कलर इसी वजह पॉइंटर, ये नीचे से मैग्मा निकलना, निकलने के बाद ऐसे ब्रांचिंग होगा, कहीं ऐसे सीधे जाएगा, कहीं जो है ऐसे ये फ्लैट हो जाएगा, कहीं जो है ऊपर जाके ये गुंबद जैसा मिल जाएगा, और कभी कभी तो बिल्कुल सरफेस के बाहर आ जाता है। जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो वोल्केनो हो जाएगा। जमीन के अंदर है तो इसका जो डिफरेंट शेप है उसका अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो ये जो बिल्कुल जो जमीन के अंदर में ये बड़ा शेप में जिसका बेस कहाँ है कुछ पते नहीं चलेगा, ऐसा जो बड़ा शेप है इसको हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं। जो बेस में है उसको हम लोग बोलते हैं पेन का चल, अच्छा दिख नहीं रहा है, अच्छा ठीक है 1 मिनट इसको पेन से दिखाते हैं, पेन भी ठीक रहेगा तब दिखाए, 1 सेकंड ठीक है इसको चेंज करते हैं पेन। ब्लू कलर करके देखते हैं, थिकनेस थोड़ा मोटा करते हैं, ठीक है अब दिखाई। ये देखिए मैग्मा जब नीचे से निकला, जिस समय ये नीचे से निकला ये क्या है कि इसका बेस का कुछ हता पता नहीं है, ये बहुत सारा मैग्मा ये नीचे बेस में, जब ये है ये बेस में ऐसा इस टाइप का जो शेप है जिसका कि आपको ये नीचे वाला पार्ट पता नहीं है कहाँ तक है, तो नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं बैथोलिथ, DATHOLITH। उसके बाद जब ये मैग्मा सीधा ऊपर की तरफ जो जा रहा है एक्रॉस द स्ट्राटा, मतलब स्ट्राटा सब तो हमारा ऐसे ऐसे है ना, और मैग्मा अगर सीधा ऐसे जा रहा है तो मैग्मा का इंट्रोजन यदि एक्रॉस द स्ट्राटा हो, एक्रॉस द स्ट्राटा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं हमको? डाइक। ये डिफिनेशन में पूछ देता है, इफ द इंट्रूजन ऑफ इग्नियस रॉक, इफ द इंट्रूजन ऑफ मैग्मा इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राटा या अक्रॉस द स्ट्राटा देन द स्ट्रक्चर इज नोन एज। यदि वैसा पूछता है कि अक्रॉस द स्ट्राटा है तो ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग डाइक बोलेंगे, जो कि कोल फील्ड में बहुत मिलता है। उसके बाद जब ये ऊपर आएगा तो कहीं हो सकता है कि ऊपर वाला लेयर यदि कहीं पर कमजोर पड़े तो ये इस टाइप का ये फोल्डिंग कर देगा, ऊपर वाला लेयर को क्या कर सकता है, ये ऐसे फोल्डिंग करके और मैग्मा जो निकला है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जमा हो जाएगा। अगर इस टाइप का शेप बनाता है कि मैग्मा ऐसे जमा हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। 1 मिनट इसको, लैकोलिथ में डबल सी होगा, ठीक है। यदि ये इस टाइप से ऊपर में ऐसा स्ट्रक्चर बना दे तो उसको हम लोग बोलते हैं लैकोलिथ। और कभी कभी क्या है कि इसका उल्टा होगा, ऊपर में ऊपर के स्ट्राटा को ये तोड़ नहीं पाया, जैसे यहाँ पर क्या दिखा है ऊपर वाले स्ट्राटा को ये मोड़ दिया, अगर ऊपर का स्ट्राटा यदि काफी कॉम्पिटेंट है ऊपर वाला को नहीं मोड़ पाएगा
तो कभी कभी क्या होता है कि मैग्मा नीचे ही जमा हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं झुका, तब ये बीच का जगह बना के कुछ ऐसे इस शेप में नीचे वाले स्ट्राटा में ही ऐसे अगर जमा हो जाए तो ये लैकोलिथ का उल्टा हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं लैपोलिथ। इसको क्या बोलेंगे? लैपोलिथ। नीचे वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? बैथोलिथ। नीचे वाला क्या है? बैथोलिथ मतलब कि मैग्मा जहां से निकला इसका पूरा लंबा चौड़ा एरिया है, कहीं बेस नहीं है। और उसके बाद कभी कभी क्या हुआ कि ऐसे निकलेगा और ये बिल्कुल ये गुंबद, ऊपर में गुंबद है तो लैकोलिथ, नीचे में रिवर्स गुंबद है तो ये लैपोलिथ, लैको लैपो। और कभी कभी क्या है कि ये स्ट्राटा का पैरेलल रहेगा ऑलमोस्ट, जो है जैसे स्ट्राटा है उसी के पैरेलल में यदि इंट्रूजन है। आप बताएं नहीं कि जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस में कितने मेयर तक वर्क नहीं करेंगे। देखिए, जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस मिलने पर वैसा कोई डाटा तो नहीं है कि जियोलॉजिकल अनकंसोलिडेटेड और उसमें है, जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस मिलने पर काम नहीं करने का नहीं है, वहां पर आपको सावधानी लेकर काम करना है। वैसा कुछ नहीं है कि जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस हमको मिल गया तो काम को बंद कर देना है या किसी से परमिशन लेना है, वो भी नहीं है। जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस कुछ मिलता है तो उससे जो रिलेटेड सावधानी है, जैसे गैस का मॉनिटरिंग बढ़ा देंगे, उसके बाद बाकी गैस का मॉनिटरिंग बढ़ा देंगे, वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर लेंगे, स्ट्राटा कंट्रोल को ठीक कर लेंगे, बाकी हॉलेज ये सब तो मजबूरी में आपको ठीक करना ही पड़ेगा, रास्ता बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस मिलने पर क्या है, काम को बंद करने के लिए कहीं सीएमआर में नहीं दिया है या कहीं लेजिस्लेशन में नहीं दिया है कि काम को बंद कर देना है या परमिशन लेना है। जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस मिलेगा तो आपको उससे रिलेटेड जो सावधानी है वो सावधानी को लेना है, ठीक है। बंद करने के लिए कहीं नहीं दिया है कि 10 मिनट, ऐसा नहीं है कि 20 मीटर या 30 मीटर जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस आने वाला है तो माइंस को बंद कर दीजिए, वैसा कुछ नहीं। हम लोग ये लैपोलिथ, लैकोलिथ और सील, सील क्या हुआ कि ऑलमोस्ट पैरेलल इंट्रूजन। सील क्या है? ये क्या है? स्ट्रैट इंट्रूजन अलोंग, इंट्रूजन ऑफ मैग्मा या इंट्रूजन ऑफ इग्नियस रॉक, बोलिए इग्नियस रॉक एलोंग द स्ट्राटा, एलोंग द स्ट्राटा, स्ट्राटा के एलोंग है, एक क्रॉस है तो उसको डाइक बोलेंगे, एलोंग है तो उसको हम लोग सील बोलेंगे, ठीक है, डाइक और सील। अब क्या है डाइक क्या है वो तो समझ में आ गया कि मैग्मा का ऐसे वर्टिकल इंट्रूजन, माइंस में ऐसे काम कर रहे थे, काम करते करते इधर इधर सीम है, इस बीच में अचानक जो है कोई ये मोटा सा हार्ड रॉक का लेयर मिल गया ऐसा, तो ये हो गया डाइक। अब ये डाइक मिल जाएगा, डाइक क्या है जनरली, डाइक का डाइक में जिस ज्यादातर डाइक जो है डोलेराइट डाइक है, ज्यादातर डाइक जो है डेलेराइट है, कुछ बेसाल्ट डाइक है और कुछ जो है माइका पेरिडोटाइट, माइका पेरिडो टाइट। ग्रेडी में जो डाइक है ये माइका पेरिडोटाइट का है, डोलेराइट डाइक कब का, ये झरिया कोल्ड फील्ड सब में है, झरिया रानीगंज कोल्ड फील्ड में ये सब है, और एमसीएल तरफ में शायद बसाल्ट का डाइक होगा, एमसीएल का इलाका में बसाल्ट डॉक सब डाइक है, डोलेराइट वहां नहीं है। तो ये डाइक में जो है ज्यादातर क्या क्या डाइक में मटेरियल, ये याद रखिए, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये डाइक में हम कहीं लिखे, हाँ डाइक जनरली किस किस मिंडल का बना रहता है तो ये याद रही, या डाइक में कौन सा रॉक रहता है तो ये याद रखे, डोलेराइट बसाल्ट और माइका पेरिडोटाइट, इसमें से कोई हो सकता है। झरिया कोल्ड फील्ड में ज्यादातर ये है, ग्रीडी में ये है माइका पेरिडोटाइट, बेसाल्ट ये दोनों है तो ये एमसीएल महानदी समय बेसाल्ट वगैरह होगा। तो ये डाइक में जो रॉक होता है डोलेराइट बेसाल्ट और माइका पेरिडोटाइट, ये रॉक का नाम याद रखिए। ये पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली फाउंड डाइक, या व्हिच ऑफ द रॉक इज इन फाउंड इन डाइक, तो ये इसमें याद रखना होगा डोलेराइट बेसाल्ट और माइका पेरिडो डाइट। डाइक क्या है समझ में आ गया, सील क्या है समझ में आ गया।
अब इसका इफेक्ट क्या है उसको देख लेते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप कर लेंगे, एक दिन और लेंगे तो बाकी कुछ जो है हो जाएगा। डाइक का इफेक्ट क्या है, डाइक के पास क्या है कि मैग्मा चूंकि आया है डाइक क्या है कि हॉट मैग्मा क्या है, हॉट मैग्मा क्या है, हॉट मोल्टेन मटेरियल, हॉट मोल्टेन मटेरियल गर्म पिघला हुआ पदार्थ। जब ये गर्म पदार्थ आएगा तो उस समय क्या होगा, आसपास में जो कोयला हो, कोयला क्या होगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, कोयला जल जाएगा, जल के झामा हो जाएगा, कोयला जला तो वहां का कोयला लॉस रिजर्व में कमी हो गया, रिजर्व में कमी हो गया, फिर जब ये आ जाएगा तो यहाँ आर पार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी ये बहुत मोटा डाइक होता है और इसको पार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ड्राइवेज एक पार से एक पास दूसरे पार जाना डिफिकल्ट हो जाता है, कॉस्ट ऑफ माइनिंग यहाँ भी बढ़ जाएगा, ये बैरियर कभी कभी बैरियर हो जाता है, ठीक है, इधर काम करे दूसरे रास्ते से और इधर दूसरे रास्ता से, तो ये बैरियर के रूप में स्ट्राटा कंट्रोल यहाँ भी डिफिकल्ट हो जाएगा, जला हुआ मिलेगा तो इस आसपास में लूज मिलेगा रूफ, मैकेनाइजेशन यहाँ भी डिफिकल्ट हो जाएगा, और कभी कभी जहां पर डाइक मिलेगा वहां पर क्या है केविंग उविंग में डिफिकल्टी हो जाएगा, रूफ जो है इजिली गिरेगा नहीं, क्योंकि ये लेयर जो है पूरा स्ट्राटा को सपोर्ट करता है, ये बहुत हार्ड लेयर रहता है डाइक का, तो उस आसपास में जो है रूफ फॉल इस सब में मेजर कभी कभी स्ट्राटा को केविंग में डिफिकल्टी होगा। फिर ये डाइक है तो ज्यादा बड़ा प्लानिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट जो है सील होगा, सील में क्या होगा, सील के पास भी क्या है, यहाँ भी कोयला जो है जला हुआ मिलेगा, झामा होगा, यहाँ भी डिफिकल्टीज होगा ड्रिलिंग वगैरह करने में, रूफ में यदि सपोर्ट कर रहा है सील मिल गया तो ये दिक्कत होगा, लेकिन रूफ में सील मिल गया तो वो हार्ड रॉक है, गिरेगा जल्दी नहीं, लेकिन अगर आपका डिपिलरिंग विथ केविंग है तो उसमें डिफिकल्टी भी है, बहुत बड़ा केविंग रेगुलरली नहीं होगा, केविंग में डिफिकल्टी होगा यदि रूफ में हमको सील मिल गया तब, दूसरा यदि फ्लोर में सील मिल गया है तो ये कंडीशन में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, दूसरा है कि फ्लोर का हीविंग नहीं होगा, हीविंग मतलब ये हार्ड रॉक है इसलिए इसको फ्लोर इस टाइप से झुकने का मुड़ने का कोई समस्या नहीं होगा, बाकी ये आने से भी डिफिकल्टीज है, ड्रिलिंग का प्रॉब्लम है, मैकेनाइजेशन पर प्रॉब्लम है।